सुरेंद्रनाथ जौहर, असाधारण गुणों वाले एक साधारण व्यक्ति, निडर, प्रतिबद्ध और फुर्तीले। किसी भी काम में देर करना उनकी फितरत नहीं थी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता सेनानियों के गजेटियर में उनका नाम उल्लेखनीय रूप से दर्ज है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, कई बार गिरफ्तार हुए, जेल भी गए और जेल की यातनाएं भी सही। उन्होंने देश की मुक्ति के लिए, अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में श्री अरविंदो आश्रम में मदर के दर्शन के बाद उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर हुआ। मदर के ही निर्देश पर उन्होंने दिल्ली में श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। इस शाखा की स्थापना में उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी उद्यमशीलता और उनके अथक परिश्रम का अमूल्य योगदान था। जो अनंत का चुनाव करते हैं वे अनंत के द्वारा ही चुने गए हैं। श्री सुरेंद्रनाथ जौहर का जन्म 13 अगस्त सन 1903 में अविभाजित भारत के झेलम जिले के एक रमणीय गांव वहाली में लाला काहनचंद तथा भान्या देवी के घर हुआ था। नन्हे बालक का नाम रखा गया सिकंदर लाल। लाला काहनचंद के पूर्वजों में से दीवान करनामल का नाम बादशाह शाहजहां के दरबारी दस्तावेजों में मिलता है, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम कबूल ना करने के कारण मौत के घाट उतार दिया था। अपने सिद्धांतों के लिए, सत्य के लिए पर्वत की तरह अडिग रहने का गुण उनको विरासत में मिला था। काहनचंद सरकारी निरीक्षण विभाग में नौकरी करते थे। सिकंदर लाल की माता भान्या देवी भी एक संभ्रांत परिवार से थी। वे एक बुद्धिमती तथा हंसमुख महिला थी। उनके जीवन का मूल मंत्र था कठिन परिश्रम और उन्होंने किसी भी बाधा विपत्ति से कभी हार नहीं मानी। माता के ये गुण सहज रूप से सिकंदर लाल में भी परिलक्षित हुए। सिकंदर लाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। गांव तथा आसपास के मनोरम परिवेश ने बाल मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसका प्रभाव पूरे जीवन उनके साथ रहा। लाला काहनचंद कट्टर आर्य समाजी थे। गांव की पाठशाला से निकलने के बाद सिकंदर को भेजा गया दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल लाहौर। वहां से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करके उन्होंने लाहौर के ही डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। केस नंबर 120/3 ऑफ 26 सितंबर 1942 अंडर द सेक्शन 325B/149 आईपीसी एंड 332/149 आईपीसी। इन दिस केस द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड चार्ज अंडर 332 रीड विद आईपीसी। क्राउन वर्सेस जौहर, मंगतराम, देवा सिंह, गफूर एंड हीरालाल। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 17 सितंबर 1942 को दिल्ली सीआईडी के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राय साहब लाला गोपाल दास को एसपी सीआईडी मिस्टर मिलर की तरफ से निर्देश मिला कि धारा 129 के तहत सुरेंद्रनाथ जौहर को गिरफ्तार किया जाए। सौंधी सौंधी मीठी मीठी गोद माँ की तेरी मिट्टी, उंगली थामे चलता तेरी मेरी मंजिल तेरी मिट्टी। सौंधी सौंधी मीठी मीठी उजला उजला मेरा सपना।
तुझसे जीना तुझसे मरना, तू है मेरी रूह का दर्पण। ओ तुझसे जीना तुझसे मरना, तू है मेरी रूह का दर्पण। मेरा क्या सब है तेरा जीवन ये तुझ पे अर्पण। मेरा क्या सब है तेरा जीवन ये तुझ पे अर्पण। देश मेरे तेरी मिट्टी, देश मेरे तेरी मिट्टी, देश मेरे तेरी। वो क्या बकवास है ये, अंग्रेज चाहते हैं मार्शल लॉ को माने। आज नोटिस बोर्ड पढ़ा तुम सबने, लिखा है सबको अपनी साइकिल अथॉरिटी के पास जमा करानी होगी। ये बिल्कुल अपमानजनक है, इंसल्टिंग। कल एक ऐसा ही नोटिस था लेकिन मोटर कार के बारे में। अरे भाई तो क्या हुआ, तुम नाहक ही परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास तो ना मोटर है ना साइकिल। नहीं तो क्या, हो सकता हो जल्दी खरीदने वाला। इस तरह के अपमानजनक कानून को लेकर ठिठोली करते हुए शर्म नहीं आती तुम सबको? ये अंग्रेज गुलाम मानते हैं हमें। कल को ये भी कह देंगे तुम ये नहीं खा सकते, धोती नहीं पहन सकते, कुछ भी कह सकते हैं वो। इसलिए हंसने से पहले 100 बार सोच लो। माफ करना दोस्त, हमारा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मजाक नहीं बना रहे थे हम। तुम मेरा मजाक बनाओगे भी तो क्यों बुरा मानूंगा, लेकिन मेरी नहीं ये पूरे देश की बात है। हमारी भारत माता पराधीन है, ये पराधीनता तुम्हें नहीं कचोटती, तुम्हें दर्द नहीं होता। हमें अपने जीवन के बारे में भी फैसला करने का अधिकार नहीं है जैसा एक आज़ाद मुल्क के लोग कर पाते हैं। ये अंग्रेज जो कहेंगे वही करना होगा। बात तो सही है, हमारे सर पर दिल्ली ले आओ। मैं किसी और की बात नहीं जानता, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक इस गुलामी वाले कानून को नहीं मानूंगा। सिकंदर, गुलामी का ये दर्द हमें भी बेचैन करता है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तुम जो भी करोगे हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैं जो करना चाहता हूं अकेला ही करूंगा। देखा आज फिर से उस मार्शल लॉ वाले पोस्टर को फाड़ दिया गया है। चौथी बार हुआ है ऐसा, और किसी को पता भी नहीं कि है कौन। यू ब्लडी फूल, लॉ तोड़ेगा? आई विल टीच यू ए लेसन। बोल कौन कौन था तुम्हारे साथ? स्काउंडल, बोल। कोई नहीं था, अकेला था मैं, अकेले फाड़े मैंने काले कानून के पोस्टर। ओके आई फाइंड आउट, कोई नहीं बचेगा।
बहुत मारा ना उन लोगों ने, जानवरों की तरह। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तो जैसे भी मुमकिन हो मैं उनका विरोध करूंगा, जीना मुहाल कर दूंगा जब तक उनको अपने देश के बाहर नहीं फेंक देता। उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ये 1919 का साल था जब कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। युवा सिकंदर ने हॉस्टल से सबकी नज़रें बचते बचाते वो जा पहुंचा अमृतसर, जहां उसने मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में हुए जुलूस में हिस्सा लिया और शामिल हुआ अधिवेशन में भी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो उस ज़माने के बड़े मशहूर नेता थे, बड़े लोकप्रिय नेता थे, वो गोलबाग में अक्सर भाषण दिया करते थे और सिकंदर भी अक्सर वहीं मौजूद रहता था। महात्मा गांधी 1920 में लाहौर आए थे। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने वकीलों से आह्वान किया कि वो अदालतों का, और छात्रों से आह्वान किया कि वो विद्यालयों का बहिष्कार करें। इस आह्वान से प्रेरित होकर कॉलेज छोड़ने वाले शुरुआती विद्यार्थियों में शामिल था सिकंदर। सुरेंद्रनाथ जौहर ने अपनी जीवनी में लिखा, जब कोई महत् कार्य करना होता था मैं उसमें कूद जाया करता था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अपने अंदर एक ज्वाला महसूस करता था मैं, जो पढ़ाई करने की इच्छा से भी अधिक बलवती थी, जिसने मुझे असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लेने के लिए विवश किया। मुझे लगता है नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला बिल्कुल सही था। कितने अच्छे शिक्षक हैं यहाँ, नामचीन और गुणी, पंडित रामभुज दत्त जी, हाँ हाँ, श्रीमती सरला देवी जी और क्यों स्वामी सत्यदेव जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ वो भी। पिताजी आप यहाँ कैसे खोज लिया मुझे? हमें बहुत बुरा लगा तुमने डीएवी कॉलेज छोड़ दिया, बेवकूफाना हरकत थी वो। अब तुम हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हें अपने परिवार के मुखिया सरदार हरि सिंह जी से मिलवाएंगे, अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे। और हाँ, जो वो कहेंगे तुम वही करोगे। तुम्हें मालूम है ना हमारे समाज में उनका रुतबा कैसा है। तू पागल हो गया लड़के? तू जानता है अपने परिवार के सदस्यों ने हमेशा से बड़ी बड़ी नौकरियां की हैं, सरकारी नौकरी, ऊंचे ओहदे वाली। अब अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस की सभा वो अधिवेशन में जाएगा तो हमारी नाक नहीं कटेगी। तू एक बात कान खोल के सुन ले, तू कांग्रेस का पीछा बंद कर। बंद का मतलब बंद, समझे? छोटा हूं, आपकी इज्जत करना चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वो नहीं कर सकता मैं। ठान लिया है जब तक ये अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते मैं लड़ूंगा, इसके अलावा और कोई काम मेरे लिए जरूरी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तू अंग्रेजों से लड़ेगा? तू इसकी बात का बुरा मत मानिए, बात करने का शऊर नहीं है, अच्छा है, क्या बोलना है नहीं पता। मैं इसको अलवर ले जाता हूं, वही मेरी पोस्टिंग है, धीरे धीरे समझा दूंगा। इतना बड़ा परिवार हमारा, 200 से भी ज्यादा लोग, सब के सब अच्छी नौकरी करते हैं, समाज में एक रुतबा है हमारा, एक नाम है। अगर आज मेरे 4 बेटों में से एक बेटा मर गया होता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता।
लेकिन तुम्हारे कॉलेज छोड़ने से मुझे जो दुख हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। पिताजी ने मुझे क्यों डांटा? उन्हें तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या अपने देश को स्वाधीन देखने की इच्छा गलत है? अगर हर इंसान अपने रुतबे, अपने नौकरी के बारे में ही सोचने लगे तो ये देश स्वाधीन कैसे होगा? बहुत रात हो गए, अब सो जा। तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तो चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। ये खबर पढ़ी आपने? कौन सी खबर? अरे ये इतना इतना बुरा हुआ। आखिर कब तक हम लोग सहते रहेंगे? आंदोलनकारियों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार कब तक होता रहेगा? मुझे कांग्रेस में भर्ती होना है। कहाँ से आना हुआ? आपका मतलब घर छोड़ दिया। अपना पूरा समय देश के लिए देना चाहता हूँ। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र कम है। बच्चा? मैं पार्टी के अमृतसर अधिवेशन में था, मोतीलाल नेहरू जी के पीछे जुलूस में चला, वहीं पे गांधी जी का भाषण सुना, उनकी पुकार पर कॉलेज छोड़ दिया। गांधी जी भी हमें छोटा नहीं समझते। अब तो मैं यहीं रहूंगा और पार्टी का काम करूंगा, फुल टाइम वर्क है। कोई अगर ना बोले अरे ओ रे ओ अभागे, ना कोई बोले गर सभी मुंह को फिर के रहे, हर कोई डरे गर सभी मुंह को फिर के रहे, हर कोई डरे तो फिर पूरे मन से ओ तू खोल जुबा, मन की बातें कर अकेला रे। तेरी पुकार हम तुम्हारे इस बहादुरी भरे कार्य की तारीफ करते हैं। तो चल अकेला रे, तो चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तो चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। तेरी पुकार सुन आए। आज से तुम हुए कांग्रेस के स्वयंसेवक, कल तुम्हें एक जुलूस में जाना है, इसकी अगुवाई करेंगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर, मुझे टाइपिंग सीखना है। एकदम सही जगह आए हो। हमारी फीस है प्रति माह 2 रुपया मात्र। सर, मेरे पास तो पैसे मात्र ही नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप कोई भी काम दे दो, मैं कर दूंगा। सिखा दीजिए ना सर। वैसे कोई भी काम कर सकते हो, मतलब छोटा मोटा कोई भी? बिल्कुल सर, कैसा भी काम, कोई सा भी काम,
मुझे बस सीखना है, मैं तो यहाँ रहकर भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, ले आओ अपना सामान। लेकिन रहोगे कहाँ? उसका इंतजाम तो इस ऑफिस में है नहीं, और मेरा घर भी छोटा सा है। हाँ, आंगन है, लेकिन आंगन में भी गाय बंदी होती। जी मैं वहीं रह लूंगा, आंगन में सामान भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, गाय को कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें? हम तो जी ना सावन हरे ना भादरो सुक्के। जाओ ले आओ। तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे, तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तो चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे, तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। कोई अगर ना बोले अरे ओ रे हो भागे, ना कोई बोले गर सभी मुँह को फेर के रहे, हर कोई डरे गर सभी मुँह को फेर के रहे, हर कोई डरे तो फिर पूरे मन से ओ तू खोल जुबा, मन की बातें कर अकेला रे, तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे, तेरी पुकार सुन आए कोई तो चल अकेला रे। सर एक विनती है, अपने अपने रोजगार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, दोपहर बाद 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, मतलब अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अच्छा 2 घंटे में क्या करोगे पैसा कमाने के लिए? मैं सदर बाजार जाऊंगा, वहां से कुछ स्टेशनरी और कागज खरीद कर स्कूलों के बाहर टिफिन टाइम में मुनाफा रखकर बेचूंगा। ठीक है, तुम्हें 2 पैसे की आमदनी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। आ गए, कैसा रहा, कुछ मुनाफा हुआ कि नहीं? हिंग लगे ना फिट करी तिरंग चोखा, एक आने का मुनाफा बहुत है मेरे लिए। बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही मन लगाकर काम करो। जी कोई अगर ना बोले अरे ओ रे ओ अभागे, ना कोई बोले गर सभी मुँह को फिर के रहे, हर कोई डरे गर सभी मुँह को फिर के रहे, हर कोई डरे। अगले 2 सालों तक सिकंदर का संघर्ष जारी रहा, हर काम बदस्तूर चलता रहा, और एक दिन सिकंदर के पिता उसे लाला दीवान चंद के दफ्तर लेकर गए और टाइपिस्ट की नौकरी पर लगवा दिया। जल्द ही उसके कठिन परिश्रम ने सबका ध्यान आकर्षित किया। एक बार तो एक ही रात में 1000 पन्ने टाइप करके सबको हैरत में डाल दिया था। Thank you.
बहुत अच्छा। इन सब के बीच उसने अपने सामाजिक कार्य भी जारी रखे और कांग्रेस के साथ आर्य कुमार सभा के कार्यकर्ता के रूप में भी जी जान से काम करता रहा। आर्य कुमार सभा ही वो जगह थी जहां सिकंदर ने अपना नाम बदला और कहलाने लगे सुरेंद्र नाथ जौहर। सन 1927 में उनका विवाह दयावती देवी के साथ संपन्न हुआ। 1928 में उन्होंने कांग्रेस के एक विरोध सूचक जुलूस में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य था साइमन कमीशन का बहिष्कार। इसके दो साल बाद विदेशी वस्त्रों के विरोध प्रदर्शन में और खादी के पक्ष में भी उन्होंने जमकर हिस्सा लिया। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि अब सार्वजनिक रूप से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाए। हमारी दिल्ली जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहर के किसी खास जगह पर हम सब भी उस घोषणा पत्र का पाठ करेंगे। लेकिन ये करेगा कौन? मैं पढ़ूंगा वो प्रतिज्ञा पत्र। हम जानते हैं लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी उसमें ऐसा निर्णय हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी है इसका? तुम इसके लिए गिरफ्तार हो सकते हो, जेल भी जा सकते हो और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे ऊपर पहले से ही 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। अब चाहे फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। क्या इस दिन के लिए मैं आज़ादी की लड़ाई में उतरा था कि जब कोई चुनौती सामने से आए तो मैं कायरों की तरह भाग सकूं? ठीक है, तुम ही करोगे वो काम। Do you admit your guilt? आपका अपना जुर्म कबूल है? मैंने सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा था जिसमें मेरे ही देश की आजादी की बात लिखी है। ये कोई जुर्म नहीं है और जब जुर्म नहीं है तो गिल्टी होने का सवाल ही नहीं उठता। सुरेंद्रनाथ जौहर अपना केस लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन उस समय के कुछ काबिल वकीलों ने उनकी तरफ से केस लड़ा। उन पर लगे सारे आरोपों की एक साथ सुनवाई हुई और ये कई सप्ताह चलता रहा। I therefore sentence the accused Johar rigorous imprisonment for 6 months for the first case. For the second case, it is 2 years rigorous imprisonment and for the third case, it is a rigorous imprisonment for 3 months. All cases, all the prisons terms are continue simultaneously. My lord, there are 3 more cases against him. I think this is enough. The police department may consider withdrawing all the other cases. घर वाले आए हैं, मिलवा दो सर। साहब अगले सोमवार को हो जाएगा, चल। ठीक है सर, ओके। ए जोहर इधर आओ, सुना नहीं, इधर आओ। इस हफ्ते किसी भी मुलाकाती से मिलने की इजाजत नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जा।
ए! तुझे मालूम नहीं है सिपाहियों का पानी है? ए! मुझे इतनी समझ नहीं आती। कौन पिएगा? पानी पिलाता हूँ तुझे आज मैं। पानी पिलाता हूँ तुझे। पानी पिलाता हूँ तुझे। पानी पिएगा? और इसकी अगर तो मैं निकालता हूं, बंद कर दो इसे काल कोठरी में। खाना नहीं पसंद। भेड़िया तो पसंद आएंगी। करता हूं इंतजाम। अपने फैसले में केस का विवरण देते हुए कहता है कि अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार नहीं किया और बचाव में कहा कि जब आर.एस. गोपाल दास और एस.आई. भगवान दास महरौली के निर्माणाधीन मकान में पहुंचे तो जौहर के लिए वे अनजान थे और जौहर ने पूछा, कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं? Hands up! Shoot him. Just shoot him. Goli ki nahi chalate. Hey!
गोली नहीं भाई, गोली नहीं, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी सर्विस रोल वापस कर दो भाई। छेड़ा मुंह ओई जई चपेड़। थोड़ी देर के बहस के बाद यह तय किया जाता है कि अगर रिवॉल्वर एसआई भगवान दास जैन को लौटा दी जाती तो जौहर को सेंट्रल लेन के उनके घर जाने की अनुमति दे दी जाती। ये किताबें किसके लिए हैं? और कितना पढ़ोगी? खाना नहीं बनेगा? अभी नहीं छोड़ सकती। अभी नहीं छोड़ सकती? थोड़ा रुकिए। पहले आपने कहा कि दो चार पन्ने पढ़ने हैं, फिर बोला एक चैप्टर, अब मुझे लग रहा है कि आप पूरा पढ़े बिना उठेंगी नहीं। ऐसा क्या खास लिखा है इसमें जो सीधी सादी गृहिणी भी इतने ध्यान से पढ़ रही है? अपने आप को ज्यादा विद्वान मत समझ, हम भी कुछ कम नहीं है, चार भाषाएं जानती हैं, जबकि आप जानते सिर्फ तीन। उसके अलावा हमें खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, संगीत सब आता है। आप बताइए, राजनीति के अलावा कुछ आता हो तो? आप भूल रही हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है हमारे पास, बिजनेस चलाते हैं, ऑफिस संभालना पड़ता है, और तो और कनॉट प्लेस दफ्तर जाते हैं, ऊपर से हमारी लंबाई भी आपसे ज्यादा है, और अपने देश के लिए जेल भी गया हूं भराबरी और हमसे। अच्छा रहने दीजिए, बहुत बार सुन चुके हैं ये सब बातें, हम भी परीक्षा देने वाली हैं और परसों लेकर चलेंगे आप परीक्षा केंद्र। परीक्षा? कैसी परीक्षा? उसी पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी रत्न की परीक्षा, जो कि मैट्रिक के बराबर मानी जाती है। डिग्री लेने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है? वो तो एक महीने बाद ही फैसला हो जाएगा। गुरु गुड़दा गुड़ रह गया। दयावती, 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 हेलो जी, सुरेंद्रनाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते, मैं कांग्रेस कार्यालय से बोल रहा हूँ जी। आपकी धर्म पत्नी है ना जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी। जेल? और लेकर सेंट्रल जेल गई है। गिरफ्तार? मतलब उसने किया क्या है? लो जी, आपको नहीं पता, वो तो जी नीमत हमारे कार्यालय आती थी, आज एक जुलूस में जा रही थी तिरंगा हाथ में पकड़ कर, बस गिरफ्तार कर लिया। अब तो अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर पाएंगे ये कहकर कि आप जेल गए थे। इसीलिए आपका भी जेल जाना जरूरी था। धन है आप देवी जी। मोर इम्पोर्टेंट हाउ एवर आर द इंजरीज
on S.I. Bhagwan Das Jain and S.N. Johar. Injury number one, S.I. Bhagwan Das Jain, was due to teeth bite. सात को मथुरा, आठ को आगरा, आगरा से सीधा कानपुर, नौ को फिर दस को इलाहाबाद, ग्यारह को वाराणसी, फिर वहाँ से सीधा पटना, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से ये आपका हो गया पुरी, भुवनेश्वर, मद्रास और फिर हैदराबाद, मैसूर, उसके बाद बम्बई की ओर। पूरा भारत दर्शन कह रहा था है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, बैठिए। लगता है हमारी गैर हाजिरी में नई योजना बन रही है, लंबी यात्रा। दरअसल हम आपको बताने वाले थे कि मैं और प्रोफेसर इंद्र सेन जी भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं, अनिल बड़ा हो गया है, आप अनिल को साथ लेते जाइए, उसके लिए भी सीखने लायक यात्रा होगी। और रघुराम को भी साथ रख लीजिए, खाना बनाना, सामान ढोना, आप दोनों को मदद मिलेगी। और घर के सारे काम कौन करेगा? उसके लिए हम हैं ना। सेन साहब, अब इसको सिर्फ हम भारत दर्शन नहीं कह सकते, हम विदेशी धरती पर भी घूम आए। हाँ सच में, सिलोन घूम पाना किस्मत की बात है। क्यों अनिल, बहुत ही खूबसूरत देश है। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? भारत दर्शन आया, पांडिचेरी नहीं गया? पांडिचेरी ये कहाँ पर है? भारत में, गवर्नमेंट फ्रांस, ओनरू आश्रम, औरविंदो आश्रम। नहीं मैंने तो नहीं, आपने सुना? अयो औरविंदो घोष नहीं सुना? उड़ुच्ची मतलब क्रांतिकारी, अंग्रेज लड़ाई, फिर जेल, जेल में ईश्वर अनुभव, योगी, 1910 पौंडिचेरी आश्रम। यही है आश्रम? दिखने में तो कोई शहर की आम इमारत जैसी दिख रही है। यहाँ किताब की दुकान तो होगी जरूर, वहीं से पता चल जाएगा आश्रम के बारे में भी, और मैं कुछ किताबें भी देख लूँगा। बिल्कुल देख लीजिएगा भाई, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के प्रोफेसर के लिए किताबों की दुकान से बढ़िया कौन सी जगह होगी। बाद में हमारा भी ज्ञान वर्धन कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आऊँ फिर? जी बिल्कुल। भाई साहब, भाई साहब, मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे पूछूं, आप बता पाएंगे क्या इस आश्रम के बारे में? पूछिए। सच बताऊं तो मुझे आकर थोड़ी निराशा हुई, मतलब अगर ये आश्रम है तो आश्रम जैसा दिखना भी तो चाहिए। मैं पूरे भारत में घूमा, कितने मठों में गया, कितने आश्रम में गया, पर यहाँ पर सब कुछ अलग सा है, ना कोई सन्यासी दिखा, ना कोई साधु महंत दिखा, यहाँ तक कि गेरुआ वस्त्र भी नहीं दिखा। बिल्कुल ठीक देखा आपने। मतलब आप लोग भी यहाँ हमारी तरह कपड़े पहनते हैं? यहाँ कोई पूजा पाठ, अंदर कोई मंदिर भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये आश्रम कैसा? वही मैं बता रहा था आपको, ठीक देखा आपने, यहाँ कोई पूजा पाठ, यज्ञ हवन कुछ नहीं होता, मतलब जैसा जैसे अनुष्ठान दूसरी जगहों पर होता है यहाँ नहीं होता। और संत श्री अरविंदो जी से कब मिलना हो पाएगा? नहीं मिल सकते, मतलब कोई भी नहीं मिल सकता उनसे, साल में सिर्फ चार दफ़ा,
लोग उन्हें देख सकते हैं, दर्शन कहते हैं उसे, और तब भी कोई उनसे बात नहीं कर सकता और ना ही वो किसी से बात करते हैं, यहाँ तक कि प्रणाम भी नहीं कर सकते। मतलब फिर तो यहाँ आना बेकार हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप मदर से मिल लीजिए। मदर? हाँ। मदर कौन? इस आश्रम की मदर, उन्होंने ही इस आश्रम की स्थापना की थी और वही यहाँ की इंचार्ज भी है। वे एक फ्रांसीसी महिला है। फ्रांसीसी? जी। मतलब एक फ्रांसीसी महिला ने इस आश्रम को बनाया और वो ही यहाँ की व्यवस्थापिका है? जी। कमाल। शाम को ध्यान के समय देख सकते हैं उन्हें। शुरू शुरू में सुरेंद्रनाथ जौहर के मन में इस आश्रम को लेकर कोई बहुत आकर्षण नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम को ध्यान के दौरान उन्हें मदर के दर्शन हुए, उनके अंदर कुछ बदल सा गया। अपनी जीवनी में उन्होंने इस अनुभव के बारे में लिखा है। रोशनी की आभा से ढकी एक कृशकाय महिला सीढ़ियों पर बिछे मोटे कालीन से होते हुए नीचे की ओर आ रही थी। राजसी चाल थी उनकी, चेहरे पर सौम्यता की चमक और उनकी आंखों में ऐसी किरण थी जो किसी भी अंधेरे को भेद कर रख दे। मेरी नजर टिकी थी उन पर जो किसी परी कथा के किरदार से लग रही थी, जिनका शांत और सुंदर चेहरा आलोकित हो रहा था और उस परिवेश को कुछ इस तरह अलौकिक बना रहा था कि लगा स्वर्ग लोक से एक एक कदम धरती की ओर बढ़ा आ रहा है। अगली सुबह पांडिचेरी से लौटते हुए उन्हें एहसास था कि यहाँ फिर से आना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार। सालों बाद अपनी जीवनी लिखते हुए उन्होंने मदर के साथ हुए उस क्षणिक अनुभव को याद करते हुए लिखा। उस रोज वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था, पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम का वो चमत्कार, जहां मैंने अपना हृदय सौंपा और बदले में पाई सच्ची आत्मा और सच्चा जीवन। श्री अरबिंदो जी के आश्रम में लोग करते क्या हैं? एक मिनट के लिए आश्रम को भूल जाइए, आप ये बताइए कि वैज्ञानिक जीवन के उत्स के बारे में, जीवन के प्रारंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही ना कि प्रकृति की एक प्रक्रिया है जिसके चलते जीवन के रूपों का विकास हुआ। सबसे पहले आए जीवन के सरल रूप जो बाद में जटिल होते गए, जटिल होते गए सालों तक, हजारों लाखों सालों तक। प्रकृति की इसी प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहते हैं, हिंदी में क्रमिक विकास। अच्छा, जैसे कि बंदरों से बनमानुषों, बनमानुषों से चिंपैंजियों और फिर चिंपैंजियों से इंसानों तक का क्रमिक विकास हुआ। वाह, अगर आप ये जानते हैं तो इतना जानना काफी है आगे की बात को समझने के लिए। आइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंसान धरती पर चिंपांजियों से होकर आया, इसका मतलब है कि इंसान चिंपांजी से एक बेहतर प्राणी है, ठीक है? सच में अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे इतिहास, तो इवोल्यूशन के हर एक स्टेज पर बेहतर और बेहतर जीवन के रूप सामने आते गए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। और श्री अरबिंदो कहते हैं कि इवोल्यूशन प्रकृति की एक सतत प्रक्रिया है, इंसान के आ जाने के बाद ये प्रक्रिया रुक कैसे जाए? जैसे इंसान आया जानवरों से, वैसे ही एक और उच्च कोटि का और बेहतर मनुष्य इस धरती पर इसी प्रक्रिया के तहत आएगा। वाह, आज से पहले मैंने ऐसा विचार नहीं सुना। अरे भाई, मैंने भी नहीं सुने, एकदम नई बात, नई अवधारणा। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती। अच्छा, आप ये बताइए कि इंसान जानवरों से श्रेष्ठ कैसे है? इसलिए ना कि उसके पास एक दिमाग है, एक पूर्ण विकसित मस्तिष्क जिससे कि वो सोच सकता है
अच्छे बुरे का विश्लेषण कर सकता है, अच्छे बुरे के बीच फैसला कर सकता है, हिसाब किताब कर सकता है, और भी बहुत सारी बातें जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंसान जानवरों से श्रेष्ठ है। तो इवोल्यूशन के इसी नियम के अनुसार अगर एक और बेहतर मनुष्य का जन्म होगा धरती पर तो उसके मस्तिष्क में भी और बेहतर शक्तियां होंगी। मानते हो ये बात? श्री अरबिंदो ने इस महान शक्ति को सुप्रामेंटल कहा है। जैसे आज के इंसान के पास मस्तिष्क की शक्ति है, वैसे ही आने वाले जीवन रूप के पास आध्यात्मिक चेतना या सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस होगी, अति मानसिक चेतना वाली शक्ति। लेकिन इसके साथ मुझे अरबिंदो आश्रम का कोई संबंध नहीं समझ आया। आसान तरीके से समझाता हूं। अगर इवोल्यूशन नाम की प्रक्रिया है तो इसको चलाने वाली एक शक्ति भी होगी, एक चालक की तरह, जिस शक्ति ने कुछ भी ना होने की अवधारणा की शुरुआत से लेकर मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्रजाति तक पहुंचाया है। हाँ, समझ में आ रही है बात। लेकिन प्रकृति की इस प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के दो चरणों के बीच में करोड़ों सालों का अंतर होता है। करोड़ों सालों का अंतर, ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया। हाँ, ज्यादा तो है ही। हालांकि श्री अरबिंदो ने योग का एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे कि हम इस ज्यादा समय को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस अनजान शक्ति के सामने लगातार आत्मसमर्पण करना होगा। विकास के इस शक्ति को उन्होंने फोर्स ऑफ द डिवाइन मदर कहा है, दैवीय माता की शक्ति। उन्होंने कहा है कि माता की शक्ति दिव्यता के उद्गम का द्वार है, मनुष्य के प्रकृति को पवित्र कर सकती है। माता की इस शक्ति के सामने निरंतर समर्पण ही मनुष्य के जीवन, उसके मस्तिष्क और उसके शरीर में परिवर्तन कर सकता है, और इसी से होकर विकास का अगला चरण आएगा और तेजी से आएगा। क्या हो गया? यही हैं आप या कहीं खो गए? बात समझ में आई कि नहीं? जब आप बोल रहे थे तो अचानक एक विचार आया कि पौंडीचेरी के आश्रम में जिन मदर को हमने देखा था, उनका डिवाइन मदर या दैवीय माता से कोई संबंध है जैसा आपने अभी बताया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, शायद किसी दिन हमें समझ में आए। इसके बाद जौहर और डॉक्टर इंद्रसेन बार बार आश्रम जाने लगे, खास तौर पर दर्शन के दिनों में जो साल में 4 बार होता था। सुरेंद्रनाथ जौहर की खुशकिस्मती थी कि उन्हें दर्शन के सभी दिनों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, और ये निर्देश देने वाले कोई और नहीं, खुद श्री अरबिंदो ही थे। और ये सिलसिला श्री अरबिंदो के जीवित रहने तक तो चला ही, और उनके देह त्याग के बाद भी चलता रहा। सुरेंद्रनाथ जौहर जी का आश्रम के साथ जुड़ाव निरंतर बढ़ता गया, लेकिन इसमें भी एक अवरोध आया। 1939 सितंबर का महीना, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। गांधी जी का विश्वास था कि मित्र राष्ट्र युद्ध में हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भारतीयों का आह्वान किया कि वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ ना दें। अजीब बात है, श्री अरबिंदो जी ने मित्र देशों को खुलेआम समर्थन दिया है और सबसे कहा है कि लड़ाई में इन देशों का सभी सहयोग करें। ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया कि आश्रम का अगर कोई भी सदस्य इस विचार को नहीं मानेगा तो वो इस देश का और आश्रम का शत्रु होगा। ये तो गांधी जी के बिल्कुल विपरीत विचार है। श्री अरबिंदो खुद भी क्रांतिकारी रह चुके हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई भी की है, फिर भी वो ऐसी बात कह रहे हैं। आज आश्रम में एक नया नोटिस लगा है जिसमें 4-5 दिन पहले वाले नोटिस के बारे में समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि ये युद्ध नेकी और बदी के बीच में है, एक तरफ है असुरी शक्तियाँ और दूसरी तरफ है दैवीय शक्तियाँ। नाजी जर्मनी जिसका मुखिया हिटलर है वो असुरी शक्तियों का पक्षधर है। अगर हमारे मित्र देश इस युद्ध में पराजित हो तो सभ्यता 10,000 साल पीछे चली जाएगी।
इसलिए किसी भी कीमत पर मित्र देशों को यह जंग जीतनी ही होगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। बचपन से ही मैं गांधी जी का अनुयायी रहा हूं, आज उनकी बात पर अविश्वास कैसे कर लूं? सुरेंद्रनाथ के मन में जो शंका थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि श्री अरविंदो की दूरदृष्टि ही सही साबित हुई। सुरेंद्रनाथ जौहर के मन में एक दुविधा फिर आई जब क्रिप्स मिशन भारत आया। वो भारत से युद्ध में सहयोग के बदले डोमिनियन स्टेटस देने का आश्वासन दे रहा था। श्री अरविंदो को सर स्टेफर्ड क्रिप्स का ये प्रस्ताव बहुत सकारात्मक लगा। उन्होंने तत्कालीन मद्रास के एक बैरिस्टर दोराईस्वामी को कांग्रेस के लीडरों से मिलने दिल्ली भेजा। श्री अरविंदो चाहते थे कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। सुरेंद्रनाथ जौहर ही अपनी कार में श्री दोराईस्वामी को बैठाकर कांग्रेस के लीडरों से मिलवाने लेकर गए थे। गांधी जी ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के इस प्रस्ताव का विरोध किया और अंततः इसे ठुकरा दिया। कौन जानता है कि वो प्रस्ताव अगर स्वीकार हो गया होता तो अखंड भारत का स्वरूप ही कुछ और होता। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। सुरेंद्रनाथ जौहर अब थोड़े थोड़े राजनीति से विरत हो चले थे, क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वे इस आंदोलन में कूद पड़े। भारत छोड़ो अंग्रेजों। अभी जो मामले कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, ये मामले इसी आंदोलन से जुड़ने का परिणाम है। सुरेंद्रनाथ जौहर को गिरफ्तार कर कातिलाना हमला जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए, क्योंकि उन्होंने सब इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की थी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिमों पर लगे इल्जाम और सारी बातों को गौर करने के बाद मैं आरोपी सुरेंद्रनाथ जौहर और सभी अभियुक्तों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करता हूँ। सुरेंद्रनाथ जौहर के चरित्र के दो प्रमुख गुण थे, किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर समर्पण और निस्वार्थ भाव। 1944 तक आते आते उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान सैंडरसन एंड कंपनी काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुका था। वो खुद कांग्रेस के प्रमुख मेंबरान में से थे, लेकिन अब ना तो उनका व्यापार और ना ही उनका राजनीतिक जीवन उनके मन को खींच पा रहा था। उनका झुकाव अब आध्यात्मिकता की ओर हो चुका था। 1947 में देश की आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। आखिरकार सुरेंद्रनाथ जौहर महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर तो राजनीति में आए थे। साल 1950 तक सुरेंद्रनाथ पूरी तरह से पांडिचेरी के श्री अरविंदो आश्रम के कामों में डूब गए। पांडिचेरी आश्रम में अब जिसे श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना और कई सारे रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दिल्ली में श्री अरविंदो आश्रम की शाखा की स्थापना। कुछ वर्षों बाद उसी कैंपस में स्थापित हुआ मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां आने वाली पीढ़ियां एक सामग्रिक शिक्षा प्राप्त करती हैं और जीवन के प्रति एक नई समझ को लेकर बड़ी होती हैं। Quite a large piece of land in Delhi, which belong to me, or I purchased. I asked the mother, what is to be done about this land? She said, suddenly said, this will be used for the ashram in Delhi. This will be an ashram. I said, how can it be an ashram like this? Yes. She said, when I say it will be an ashram, so it will be an ashram. So, I was surprised. जो थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं पिताजी की, कि हमारे घर में पुलिस आ गई, सामने के गेट पे पुलिस, पीछे के गेट पे पुलिस, मैं और मेरा छोटा भाई बिल्लू, हम दोनों गए पुलिस वाले को, कहा अपनी बंदूक हमको दो। तो उसने कहा, क्यों चाहिए तुम मेरी बंदूक? हमने कहा, हम तुमको मारेंगे, तुम हमारे पिताजी को लेने आए हो। और पिताजी गायब थे और माँ अंदर फाइलें और कागज़ सब उठा उठा के और पड़ोसी के घर में फेंक रही थी। उस वक़्त हमको समझ नहीं था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन
अब पता लगा है, अब समझ आती है कि वो पिताजी के सारे कागज फेंक रही थी कि पुलिस वालों को ना मिले। फिर वो जब दिल्ली आए तो आते ही उन्होंने ये फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर ली गांधी जी की, और फिर आर्य समाज में जुड़ गए। और उस वक़्त कुमार आर्य समाज था फॉर यूथ, उसमें पिताजी बहुत एक्टिव हो गए। और उनको हर वक़्त लगता था कि मेरा नाम सिकंदर किसने रख दिया, सिकंदर फॉरेनर का नाम है, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने खुद ही अपना नाम चुन के सुरेंद्र नाथ रख लिया। तो और सब हवन ववन करके उन्होंने अपना नाम बदल लिया, सुरेंद्र नाथ हो गया। जब वो फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली घुसे तब वो बोलने लगे, मेरा नाम है सरेंडर नॉट, मैं किसी हालत में सरेंडर नहीं करूंगा ये ब्रिटिश को, इसलिए मेरा नाम है सरेंडर नॉट। फिर जब पांडिचेरी गए तो कहते हैं कि वो सब खत्म हो गया, मदर ने मेरे को पूरा सरेंडर करवा दिया। जब दिल्ली आ गई 1976 में, उसके दो चार साल बाद ही पिताजी की आंखों में कैटरैक्ट हो गया और डॉक्टर ने उनको गाड़ी चलाने से मना कर दिया। तो एक दिन उन्होंने सुबह कहीं जाना था तो ड्राइवर को बुलाया, और ड्राइवर ने थोड़ा टाइम लगा दिया आने में, पिताजी गाड़ी लेके चले गए। जैसे ही पिताजी वापस आए मैंने उनको डांटना शुरू किया। मैंने कहा, पिताजी आप को कितनी बार बोला है कि गाड़ी नहीं चलाना, आपको कुछ दिखता तो है नहीं और आप ऐसे करके गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो कहते, किसने बोला मुझे कुछ नहीं दिखता, तुमसे ज़्यादा दिखता है, तुमको एक रास्ता दिखता है, मुझे दो रास्ते दिखते हैं। ऐसे करके वो हर एक चीज़ को मजाक में उड़ा देते थे। उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते थे हम। एक और जो घटना हुई थी पिताजी की फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, वो अपने कनॉट प्लेस ऑफिस में थे और पुलिस उनको पकड़ने आ गई, तो वो तो हिले नहीं, वो तो सरेंडर नॉट थे, तो वो तो बैठे रहे और पुलिस ने उनको घसीट के बाहर बरांडे में, ये कनॉट प्लेस के जो बड़े बड़े बरांडे हैं वहाँ घसीट के ले आए, और पिताजी ज़मीन पर लेटे ही रहे उल्टे उल्टे होके, और उठने से बिल्कुल मना कर दिया। कहते जो मर्जी करो मैं नहीं उठूंगा। तो बंदूक लेके जब आए तब तक मेरी माँ को पता लगा, बंगाली मार्केट के एरिया में जहाँ सेंट्रल लेन में हम लोग रहते थे, वहाँ से माँ दौड़ी हुई आई और देखा कि पिताजी लेटे हैं और ये लोग बंदूक लेके पिताजी को मारेंगे अभी। तो माँ पिताजी के ऊपर लेट गई, तो इसलिए फिर वो शूट नहीं कर पाए और पिताजी की जान बच गई। मेरी माँ के बारे में, बहुत ही अच्छी कुक थी और हर वक़्त नई नई चीज़ें सीखती थी। वो बंगालियों से उन्होंने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश सब बनाना सीख लिया और बहुत अच्छा भी बनाती थी। बहुत इनोवेटिव थी, करती रहती थी कुछ न कुछ। माँ और पिताजी का रहता था कौन सबसे ज़्यादा चल सकता है, हम लोगों को गाड़ी में बिठा के भेज देते थे और खुद दोनों चल के आते थे, रेस करते थे कौन पहले पहुँचेगा। पिताजी तो फ्रीडम मूवमेंट में कई बार जेल जाते रहते थे, तो उस वो कहते थे कि मैं देख कितनी बार जेल जा चुका हूँ देश के लिए, तू क्या तू घर पे ही रहती है, तू तुझे तो कभी जेल नहीं हुआ। फिर पता नहीं किस मूवमेंट में शायद माँ भी करती थी सब फ्रीडम मूवमेंट में, तो माँ किसी मूवमेंट में जुड़ गई तो पकड़ के माँ को भी जेल में डाल दिया। फिर वहाँ बाद में लाहौर जेल भेज दिया, तब मेरी दीदी 6 महीने की माँ की गोद में थी, और अरुणा सफली थी मदर माँ के साथ जेल में, और भी बहुत जाने पहचाने फ्रीडम फाइटर लेडीज़ थी उनके साथ। तो जाकर आई, फिर वो कहती थी कि मैं भी जेल चली गई तो इक्वल हो गया। पिताजी ने अरेंज किया कि हम लोग राष्ट्रपति भवन देख सकें। हमने देखा कि सब जगह फ्रीडम फाइटर्स की पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स,
एक हॉल था जिसमें सारी पेंटिंग्स थी, पर शोरबिंदो की नहीं थी। तो जब हम लोग राष्ट्रपति जी को मिलने गए तो मुझे स्पॉन्टेनियसली ख्याल आया। मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ सबकी पोर्ट्रेट्स हैं, शोरबिंदो की पोर्ट्रेट नहीं है। तो उनका जवाब था कि शोरबिंदो तो योगी बन गए इसलिए। मैंने कहा फिर रविंद्रनाथ टैगोर का क्यों लगाया है, वो तो फ्रीडम फाइटर भी नहीं थे। शोरबिंदो तो फिर भी फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्होंने उसी वक्त अपने किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि शोरबिंदो की पोर्ट्रेट लगनी चाहिए। फिर वो पोर्ट्रेट पिताजी को काम दिया गया कि मंगवा दो। फिर मदर ने सिलेक्ट किया आर्टिस्ट को। मदर ने आर्टिस्ट को सिलेक्ट करके कैसे पोर्ट्रेट बनेगी सब कुछ मदर ने खुद से करवाया। फिर जब पोर्ट्रेट राष्ट्रपति भवन में इंस्टॉल की गई, उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट श्री राधा कृष्णन ने रिसीव की पोर्ट्रेट, और पंडित नेहरू भी वहीं पर थे। राष्ट्रपति भवन में मेडिटेशन करवा के पिताजी ने, और फिर वंदे मातरम गवा के ख़त्म किया था, जो कभी वंदे मातरम राष्ट्रपति भवन में नहीं गाया गया था, और वो भी तिमिरबरन की ट्यून जो शोरबिंदो ने सिलेक्ट की थी। अभी भी हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि वो तिमिरबरन की शोरबिंदो की वंदे मातरम की ट्यून वापस लाई जाए, होप कर रहे हैं कि हो जाएगा। पिताजी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दिल्ली का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोड श्री अरविंद के नाम पे करवा लिया उन्होंने। ऑर्डिनरी छोटा रास्ता था जो दिल्ली से बाहर मेहरौली तक, कुतुब मीनार तक जाता था, और उसको उन्होंने श्री अरविंद मार्ग करवा दिया। जब उन्होंने मार्ग करा तो सब जगह अरविंद मार्ग लिख दिया, औरोबिंदो रोड, औरोबिंदो मार्ग, औरोबिंदो मार्ग। पिताजी बहुत लड़ते रहे कि ये औरोबिंदो मत लिखो, इसको श्री औरोबिंदो करो, और वो माने ही ना। तो उस वक़्त एक ऑफिसर था जिसका नाम श्रीचंद था, तो पिताजी जाके उसको बार बार कहें मिस्टर चांद, मिस्टर चांद। तो कहे मेरा नाम मिस्टर चांद नहीं है, मेरा नाम श्रीचंद है। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी फिर उसको मिस्टर चांद करके बुलाएं, तो वो कहने लगा क्यों आप मुझे मिस्टर चांद बुलाते हैं। कहता क्यों आप श्री औरोबिंदो नहीं बुलाते, क्यों औरोबिंदो औरोबिंदो कर रहे हो, उनका नाम श्री औरोबिंदो है। तब जाके उन्होंने थोड़ा सा वो चेंज किया। तो अब जाके गवर्नमेंट ने 150th एनिवर्सरी के लिए अब एग्री किया है कि उसको श्री औरोबिंदो मार्ग ही लिखा जाएगा। तुम 1985 में पहली बार नैनीताल कैंप में गए थे 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए जब जाना था तो 10 दिन की ही तैयारी से गए भी थे, और पहले दिन जब हमने इतने बड़े पहाड़ और कठिन रास्ता और ये सब देखा, तो तारा दीदी को हमने कहा कि दीदी ये तो कोई रहने लायक जगह है नहीं, ऐसी रैम शक्ल जगह में ये कोई आश्रम, हम जाना चाहते हैं वापस। तो दीदी ने कहा कि अच्छा एक दिन आप और रुक जाइए। एक दिन रात में पता नहीं क्या कुछ घटा कि हम फिर 14 साल तक वन्यवास के नीचे बाहर गए ही नहीं, क्योंकि हमारा विषय है संगीत, और करुणा दीदी थी चाचा जी के साथ, चाचा जी मैंने तारा दीदी के फादर, तो उनके साथ ही उन्होंने जब देखा कि ये तो संगीत है तो उन्होंने कहा चलिए आप चाचा जी से मिलिए। और यहाँ पे चाचा जी को हमने देखा तो उनको देखे तो बड़ी गंभीर, उनका गंभीर उनका व्यक्तित्व, डर जाए आदमी उतना। और यहाँ पे हमको लगा कि अरे कैसे बात करें, पर नैनीताल में भी डरते डरते हम गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आप तो गाना भी गाते हैं, तो और क्या कर लेते हैं। हमने कहा और कुछ नहीं करते, तो कहा वो तो और भी अच्छा, जब आप कुछ नहीं करते तब तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। डॉक्टर आयंगार उनको फेलोशिप मिली थी, प्रदान की गई थी एकेडमी के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, तो उनके साथ सारे साहित्यिक लोग आए, और कोई चाचा जी के पलंग पे बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं,
और घंटों बैठे रहे, कम से कम 2 घंटे। जब वो गए तो चाचा जी कहते, देखे नलिन जी, मैं तो पता नहीं, याद नहीं कि मैं मैट्रिक पास हूँ कि नहीं पास हूँ, पर देखिए माता जी की कैसी कृपा है कि इतने सब स्कॉलर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं। वो उस समय का है जब मैं 19 वर्ष की थी और मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका के रूप में आई थी। मैं उनके विषय में जानती नहीं थी, सुरेंद्र जौहर जी के बारे में। खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए मैंने श्रमिकों के साथ उनको आते जाते देखा। ईंट गारा का काम जो कर रहे थे मज़दूर, उनको वो कुछ कुछ बताते रहते थे कि क्या कहाँ करना है। इतना साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर में, अपने अंतर में किस तरह से आग लिए हुए है, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब हम उनके विचार सुने और उनके साथ संपर्क में आए, तब पता लगा कि ये एक व्यक्ति जिसने अपने लिए स्वप्न देखे, मंजिलें ढूंढी, रास्ते ढूंढे और अपने हौसले के बलबूते पर उन्होंने अपराजेय पौरुष का परिचय देते हुए देश के स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वे स्वयं अपने आप को माँ का शिशु समझते थे। उनका प्रिय गीत था, सरल सुभग शिशु हूँ मैं तेरा, नंदित कर माँ नंदित कर, कुसुम कली सा मेरा मानस, विकसित कर माँ विकसित कर। मैंने आश्रम में 1992 में आना शुरू किया और चाचा जी 1986 में शरीर छोड़ चुके थे, तो इसलिए मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं उनको मिल पाता। लेकिन मैंने उनके बारे में जो कुछ सुना है और पढ़ा है, उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अंदर की आवाज़, द वॉइस ऑफ द साइकिक बीइंग जिसको हम बोलते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़, अपने अंतःकरण की आवाज़, उसको सुना। और उसको सुनने के लिए बहुत लगन और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है, और उन्होंने कम से कम 2 बार जीवन में एक कुछ मुख्य निर्णय लेते हुए दिखाई। पहला निर्णय तो उन्होंने लिया जब वो 20 साल के भी नहीं थे, महात्मा गांधी का एक भाषण सुना कि युवा वर्ग जो है आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और उसी आवाज़ को सुनकर, अंदर की आवाज़ को सुनकर वो फटाफट दिल्ली आ गए और आके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाके बोले, गांधी जी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। ये कोई सरल काम नहीं था, और ये नहीं कि जोश में आकर तो किया, लेकिन वो उसमें लगे रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ 1947 में। दूसरा अवसर जब उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनी, वो थी देश की आज़ादी के बाद। देश की आज़ादी के बाद उनके पास बहुत अच्छा मौका था, वो भी लीडर बन सकते थे, मंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने, उनके सामने एक चॉइस थी फिर कि या तो वो करें या श्री अरविंदो श्री माँ का काम आगे बढ़ाएं। 1939 में उनकी मुलाकात श्री माँ से हो चुकी थी, वो पांडिचेरी जा चुके थे, तो इसलिए उनको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। अपने अंतःकरण की आवाज़ उन्होंने सुनी, पॉलिटिक्स छोड़ दी, राजनीति से निकल गए और 1956 में इस आश्रम की औपचारिक रूप से स्थापना हो गई। आश्रम की स्थापना श्री सुरेंद्रनाथ जौहर जी ने की, जिन्हें हम सब प्यार से चाचा जी कहते हैं। चाचा जी ने माँ को देखा और बस उन पर फिदा हो गए। कहते हैं श्री माँ ने मुझे लूट लिया, असल में उन्होंने श्री माँ को पा लिया था। और जब ये स्थापना हुई तो उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके अनुभव हमें सिखाते चले गए कि इस आश्रम की स्थापना क्यों हुई, इस आश्रम का उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से माँ और श्री अरविंद की शिक्षा की प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलाने के लिए। मैं अपने दादाजी के बहुत करीब था बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था तब से वो मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। नैनीताल जाते थे, अपने साथ ले जाते थे। माताजी पिताजी मेरे अपने मेरे साथ नहीं रहते थे। अपने दादाजी के साथ मैं जाता था 2 साल की आयु से, 3 साल की आयु से उनके साथ नैनीताल के कभी घूमने, दिल्ली में भी आश्रम में बहुत छोटी आयु से उनके साथ आकर रहता था, और वो पूरी परवरिश करते थे। मेरे सिद्धांत जो हैं आज जो मेरे साथ हैं उनको वो मुझे देते थे। उनको देख देख कर जितना मैंने सीखा है, और किसी चीज़ से जीवन में मुझे उतना सीखना नहीं मिला है।